हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओर्म एंड ओर्म व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, जो कि हमारा एक मैनुअल टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ओर्म एंड ओर्म व्हील को लेकर हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल कैसे स्टीयरिंग इफेक्ट देता है। ओके, तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं ओर्म एंड ओर्म व्हील स्टीयरिंग सिस्टम को। ओके, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा एक ओर्म एंड ओर्म व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का अरेंजमेंट, बेसिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोगों को पता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम में हमको क्या चाहिए होता है, स्टीयरिंग सिस्टम में हमको क्या चाहिए, हमको स्टीयरिंग सिस्टम में ये जो रोटेशनल इफेक्ट हो रहा होता है और रोटेशनल मूवमेंट हो रहा होता है हमको एंगुलर टर्न में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट को एंगुलर टर्न में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टीयरिंग सिस्टम का यूज किया करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलिए चलते हैं देख लेते हैं ये जो रोटेशनल इफेक्ट होता है, रोटेशनल इफेक्ट को एंगुलर टर्न में बदलने के लिए हम यहाँ पे जो ओर्म एंड ओर्म व्हील का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट जैसे कि हमको पता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, वो क्या करेगा, ये जो हमारा व्हील होता है व्हील को रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जब व्हील को रोटेट करेगा तो ये जो हमारा शाफ्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग शाफ्ट, वो स्टीयरिंग शाफ्ट भी रोटेट करेगा। जबकि ये जब रोटेट करने लगेगा तो ये जो हमारा शाफ्ट है स्टीयरिंग शाफ्ट भी रोटेट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टीयरिंग शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एक यूनिवर्सल जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट के साथ हमारा कनेक्ट किया गया है ओर्म को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक शाफ्ट आ रहा होता है और नीचे से ओर्म आ रहा होता है और ये दोनों के बीच एक यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल किया गया है। हमको पता है यूनिवर्सल जॉइंट हम क्यों यूज करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल में, बेसिकली अगर ये जो हमारा पावर है इस दिशा में जा रहा होता है, अगर हमको इस दिशा में लाना है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एक हमारा यूनिवर्सल जॉइंट कुछ इस तरह का होता है उसका हम इस्तेमाल किया करते हैं हमारे व्हीकल्स में। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, इस एक्सिस में हमारा पावर जा रहा होता है लेकिन हमको लाना है इस एक्सिस में, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। तो जो पावर हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट से आ रहा होता है वही पावर हमारा अभी आ जाएगा इस तरफ, मतलब ओर्म को आ जाएगा। जब ओर्म को आ जाएगा तो ओर्म भी रोटेट करने लगेगा, ओर्म भी रोटेट करेगा, इस तरह का रोटेट करने लगेगा। जब ओर्म रोटेट करेगा तो क्या होगा, देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हमारा गियर बॉक्स के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो ओर्म होता है ये हमारा गियर बॉक्स के अंदर ही रोटेट करता है। क्लियर, नेक्स्ट ये जो ओर्म है, ये ओर्म जब हमारा इस तरह का कुछ रोटेट करता है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओर्म में हमारा यहाँ पे कुछ टीथ कटा गया है, कुछ टीथ कटा गया है और इसको ग्रूव भी किया गया है। ठीक है, तो ये जब रोटेट करने लगेगा तो यहाँ पे लगा हुआ है एक पिनियन, इसको हम बोलते हैं पिनियन और इसको हम ओर्म व्हील भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ओर्म एंड ओर्म व्हील स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे ओर्म ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओर्म व्हील और ये हो गया हमारा ओर्म, ये हो गया हमारा ओर्म और ये हो गया ओर्म व्हील। ठीक है, अच्छा जब ये जो ओर्म है ये ओर्म जब रोटेट करने लगेगा, ये जो ओर्म व्हील आप देख रहे हो ये व्हील भी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भी घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। बट होगा क्या, देखिए जब ये क्या करेगा हमारा इस तरह का कुछ रोटेट करेगा, ये जो ओर्म व्हील है ये जब इसके कंटैक्ट में आ जाएगा तो ये भी रोटेट करेगा, मतलब ये फुल्ली सर्कुलेशन मतलब 360 डिग्री में ये रोटेट नहीं करेगा, ये 360 डिग्री में रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ इसका इतना ही पार्ट जो आधा वाला हिस्सा
सिर्फ इतना ही ये क्या करेगा, सिर्फ डिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ जब मेश होगा, ये जब रोटेट करेगा तो ये सिर्फ डिफ्लेक्ट ही होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ये जो हमारा टाई ये हो गया हमारा ड्रॉप आर्म और पिटमैन आर्म, इसको हमको क्या करना है, आइधर नीचे लेना है या ऊपर लेना है, ठीक है। इसको सिर्फ हमको फॉरवर्ड या बैकवर्ड में लेना है या टॉप या बॉटम को लेना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ओर्म व्हील का अरेंजमेंट क्या करते हैं, बेसिकली जब ये जो हमारा ओर्म व्हील होता है, ओर्म व्हील जब ओर्म के कंटैक्ट में आ जाता है, मतलब इस तरह का कुछ मेस्ड हो जाते हैं, तो ये रोटेट कर रहा होता है और ये भी डिफ्लेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। जब ये डिफ्लेक्ट करने लगता है तो होता क्या है, ये जो पिटमैन आर्म है और ड्रॉप आर्म है, ये ड्रॉप आर्म भी हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप आर्म हमारा और पिटमैन आर्म, ये जब हमारा डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग आर्म, स्टीयरिंग आर्म बोलते हैं। तो ये स्टीयरिंग आर्म भी हमारा क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्ट होने लगेगा। स्टीयरिंग आर्म भी कुछ इस तरह का डिफ्लेक्ट होने लगेगा, इस तरह का कुछ, चाहे बैकवर्ड आए चाहे फॉरवर्ड जाए, ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो होता क्या है, ये जो हमारे व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स हमारे टर्न लेना शुरू कर देते हैं, आइदर इस तरफ जाएंगे या इस तरफ आएंगे, ठीक है। कुछ या इस तरफ कुछ टर्न ले सकते हैं या इस तरफ कुछ टर्न ले सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल थीटा, तो थीटा के एंगल में ये क्या कर सकते हैं, टर्न ले सकते हैं। किसके वजह से, ये जो ओर्म एंड ओर्म होल के वजह से। सिर्फ ध्यान देने वाला चीज़ इतना ही है, देखिए होता क्या है, जब ये हमारा रोटेट कर रहा होता है, ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो ये जो ओर्म है, ये ओर्म भी रोटेट करेगा, कुछ इस तरह का रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। जब ये हमारा रोटेट करेगा तो ये जो पिनियन है, ये पिनियन भी इसके साथ मैश हो जाएगा और मैश्ड होकर ये भी कुछ इस तरह का डिफ्लेक्ट होने लगेगा, कुछ इस तरह का 360 डिग्री में पूरा नहीं घूमेगा, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, इतना सा ही है। तो इतना सा ही क्या करेगा, इसके साथ जब कंटैक्ट हो जाएगा, कंटैक्ट में आ जाएगा, मैश हो जाएगा, तो होगा क्या, ये भी डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो हमारा ड्रॉप आर्म है, ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे जब डिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स हमारा टर्न लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा ही है, और ये जो ओर्म एंड ओर्म व्हील है, ये बेसिकली हमारे पावर स्टीयरिंग सिस्टम में यूज की जाती है। जैसे कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम में पावर तो हमारा आ रहा होता है स्टीयरिंग के लिए, लेकिन गियर बॉक्स के अंदर जो हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा ओर्म एंड ओर्म व्हील का स्टीयरिंग सिस्टम का एक अरेंजमेंट। अगर आप लोगों को इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे को जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं स्टॉप एक्सल के बारे में। ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर और एक टॉपिक को भी ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप एक्सल। अच्छा, स्टॉप एक्सल होता क्या है, देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो नकल में लगा रहता है, जो कि हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, नकल रहता है, एक फॉर्क रहता है, कुछ इस तरह का फॉर्क रहता है, और यहाँ पे लगा रहता है हमारा स्टॉप एक्सल, ठीक है। तो वो जो स्टॉप एक्सल है, वो स्टॉप एक्सल हमारे कितने टाइप्स के है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट, ये जो स्टॉप एक्सल है, बेसिकली हमारे ये जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स को होल्ड करने के लिए हम यूज किया करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हील्स को होल्ड करने के लिए हम यूज किया करते हैं स्टॉप एक्सल का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ तरह के हमारे यहाँ पे स्टॉप एक्सल्स है, जो कि हमारे व्हील्स में यूज की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द व्हीकल्स, हमारा व्हीकल्स का वेट कितना है, और हमारा जो व्हीकल है, हमारा व्हीकल कितना वेट को ढोता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टॉप एक्सल है उसके कुछ कैटेगरी किया गया है, और इसको हम यूज करते हैं हमारे व्हीकल्स में। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप का हो गया एलियट, तो इसको हम बोलते हैं एलियट टाइप का। और पुराने ज़माने में हमारे जितने भी व्हीकल्स आते थे, तो सब में हमारा एलियट टाइप का स्टॉप एक्सल लगा रहता था, ठीक है। तो देखिए एलियट टाइप का होता क्या था, जो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो स्टॉप एक्सल का, ये पूरा का पूरा एक नकल है, और ये जो है, ये है एक स्टॉप एक्सल, ये जो आप देख रहे हो ये है स्टॉप एक्सल, ये इसके साथ हमारा व्हील लगा रहता है, इसके साथ हमारा व्हील लगा रहता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया हमारा फॉर्क,
और ये जो है ये है हमारा किंग पिन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा लगा रहता है इसके साथ, ये जो हमारा ट्रैक आर्म है ना, ट्रैक आर्म के साथ ये वाला पार्ट हमारा लगा रहता है यहाँ पे बॉल जॉइंट में, ठीक है। तो ये हो गया एलियट टाइप का, मतलब ये जो हमारे पुराने ज़माने के व्हीकल्स होते थे वहाँ पे एलियट टाइप का यूज किया जाता था, क्योंकि हमारे व्हीकल्स, चाहे आपका व्हीकल्स ऑफ रोड हो गया या ऑन रोड व्हीकल्स हो गया, तो ये सारे व्हीकल्स में यूज किया जाता था। और उसके बाद हमारा आ जाता है रिवर्स्ड एलियट। रिवर्स्ड एलियट का जो ये जो आप देख रहे हो स्टॉप, ये स्टॉप कुछ इस तरह का होता था जहाँ पे हमारा हुल लगा रहता था, ठीक है। और ये है कि बीम की तरह होता है, और ये भी इसका एक पार्ट है जो कि हम पूरा का पूरा नकल बोलते हैं, और इसको हम फॉर्क भी बोल सकते हैं, इसको हम फॉर्क बोलते हैं। ये है कि बीम, तो इसके अंदर हमको दिया गया है एक किंग पिन इसको पकड़ने के लिए, एक अच्छा ग्रिप देने के लिए, ओके। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा लगा रहता है ये जो ट्रैक आर्म है, ट्रैक आर्म के साथ यहाँ पर लगा रहता है। तो ये जो बेसिकली ये जो रिवर्स्ड एलियट टाइप का हमारा स्टॉप एक्सल है, ये हमारे जो मीडियम कैटेगरी के व्हीकल्स होते हैं, चाहे कुछ कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफ रोड में चल सकते हैं और ऑन रोड भी चल सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा रिवर्स्ड एलियट टाइप का स्टॉप एक्सल यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आपका जो व्हीकल है वो ऑफ रोड में जा रहा होता है तो उसके ऊपर काफ़ी कम लोड कैरी करता है, लेकिन अगर आप ऑन रोड में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा लोड लेकर जाते हो, तो हैवी लोड उसके ऊपर एक्ट करने लग जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे हम रिवर्स्ड एलियट का यूज किया करते हैं हमारे व्हीकल्स में, ठीक है। और बहुत सारे भी फैक्टर्स हैं रिवर्स एलियट के, तो चलिए चलते हैं आगे। और एक टाइप का है जिसको हम बोलते हैं लेमोनी, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं लेमोनी बोलते हैं। लेमोनी कुछ इस तरह का होता है, लेमोनी कुछ इस तरह का होता है, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, ये कुछ इस तरह का ही होते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, कुछ इस तरह का ये दोनों लगे रहते हैं, और ये स्टॉप एक्सल के साथ हमारा व्हील लगा रहता है, और यहाँ पे किंग पिन रहता है, और ये हमारे रहता है इसके साथ ट्रैक आर्म के साथ, ठीक है। तो ये हो गया लेमोनी टाइप का। और एक रिवर्स लेमोनी भी है जो कि एडवांस्ड फॉर्म है, और हमारे जो रेसिंग कार्स वगैरह हो गए वहाँ पर यूज की जाती हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टॉप एक्सल के बारे में। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को अभी कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।